राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा द्वारा साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह सेंथवार सहित अन्य लोगों ने साइकिलिस्ट उमा सिंह का अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर बधाई दी। आपको बता दें कि साइकिलिस्ट उमा सिंह ने भारत के सभी 28 राज्यों की राजधानी को मात्र 73 दिनों में 12,271 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर पूरा कर लिया, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 19,840 फीट पर साइकिल से अप एंड डाउन करने का रिकॉर्ड 15 अगस्त 2021 में बनाया है, जो कि भारत का प्रथम भारतीय रिकॉर्ड है, तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के 3,669 किलोमीटर की दूरी को केवल 73 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में पूरा किया, जो लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। अगस्त 2022 में नेपाल के 4 पर्वत श्रृंखला पर एक के बाद एक फुल 4 चोटियों पर साइकिल से पहुंचकर प्रथम भारतीय होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष रत्नेश सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुधीर सिंह, अनूप कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए राष्ट्रीय सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार सेंथवार और सम्मानित हुए साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही उमा सिंह ने कहा, बधाई दे देते हैं। हेलो मामन भाई से इधर देखो बेटा, इधर देखो हाँ इधर देखो जी, वो कुछ चीज़ें ना मेरा नाम उमा सिंह है, साइकिलिस्ट और माउंटेनियर हूँ प्रोफेशन से, और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रेरणा तो अपने आप से ही मिली, लाइक अपने देश के लिए रिकॉर्ड बनाना, अपने देश के लिए करते जाना, बस इसी सब से प्रेरणा मिली और करते चला गया। आज के डेट में मैं 3 फर्स्ट इंडियन का मेरे पास टैग है और 4 रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। ये जो यात्रा आपने पूरे राज्य की थी, कितने दिन लगे, कैसे की समस्याओं का सामना करना पड़ा? मेरा ऑल इंडिया जो रिकॉर्डिंग था, ये था 30 नवंबर सन 2020 को स्टार्ट किया था और 10 फरवरी सन 2021 को जाके 73 डेज में 12,271 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके मैंने कंप्लीट किया। और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो भारत की सभी राज्य और उसकी राजधानियों को, स्पेशल राजधानी टू राजधानी को साइकिल से कवर किया। और उसके बाद मैंने माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से चढ़ाई किया। मैं बताऊँ, पूरे वर्ल्ड से लगभग 14 से 15 लोग ही हैं जो माउंट किलिमंजारो पर साइकिल से टॉप किए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। एंड उसके बाद अभी कश्मीर से कन्याकुमारी नॉन स्टॉप बाइक राइडिंग 3629 किलोमीटर मैंने 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में कम्प्लीट किया, एक रिकॉर्ड बनाया। और नेक्स्ट अभी 10 दिन पहले मैंने 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैंने अफ्रीका एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, रेंजोला पास, गोक्योरी, इन सभी चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई किया। और इन सभी चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई करने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए? समस्याएं देखा जाए तो जो वहाँ पर फिजिकली समस्याएं हैं वो तो समस्याएं नहीं, वो तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है, वो तो आनी ही आनी है। बाकी उसके बाद जो समस्याएं आती है केवल फंड से संबंधित आती हैं, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको अरेंज करना और कलेक्ट करना और फिर उसके बाद जाकर कंप्लीट करना, इट्स चैलेंजिंग। विभिन्न लोगों ने आपकी सहायता की? हाँ, अभी सेंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। एंड और भी लोगों ने, प्रशांत भैया साइकिल कंपनी ने, साइकिल कोलकाता साइकिल स्टोर गोरखपुर ने, और दिल्ली बाइक कंपनी ने, एक रेंटन होप बाइक कंपनी ने, प्रशांत जी हैं ऐसे, सुधीर भैया भैया हैं, लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके आज तक कंप्लीट कर पाया हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों ने आपको?
थैंक यू वेरी मच आप लोग सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप लोगों का ऐसे सपोर्ट बना रहा तो एक दिन मैं ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि इंडिया का लड़का ऐसा कर सकता है। इसके आगे क्या करना, क्या लक्ष्य? अभी जो अगला टारगेट है, मैं विंटर में सर्दी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, जो कि ना के बराबर लोग विंटर में गए हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना है। मेरा नाम मनोज सिंह सैंथवार है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा, और यह कार्यक्रम इसी के तत्वाधान से हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा पूर्वांचल के सभी विभूतियों को सम्मानित करने का एक कड़ी में, ये मेरे छोटे भाई माउंटेनियर श्री उमा सिंह साइकिलिस्ट एंड माउंटेनियर, इनका सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि अभी उमा जी ने बताया कि भाई इस कार्य में फंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, हम लोग लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए आह्वान भी करेंगे कि उमा को फंड भी दिया जाए इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उमा पूर्वांचल का वो कोहिनूर है कि अगर इसको सही समय मिले, सही फंड मिले और सही तरह से इसका उपयोग किया जाए तो ये पूरे पूर्वांचल का नाम पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में यह प्रचार प्रसार करेंगे।